हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और घर में होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड 19 का केस अपने रीवा जिला में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। और यह है कहना चाहिए इसमें ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप घर में रहे, अच्छे रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अपने चैप्टर में चलते हैं। मैं आज केमिस्ट्री की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो आप नाम सुने होंगे बच्चों, ढेर शब्द नाम सुना होगा, क्या? ढेर। और एक शब्द और नाम सुने होंगे, दर्जन। यदि आप बनाना भी लेना चाहते हैं, पेन लेना जानते हैं मतलब जाते होंगे, या कहना चाहिए बुक लेना जाते होंगे, तो कहने का मतलब क्या होगा? एक दर्जन मुझे बनाना दे दीजिए। एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुओं से। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीक शब्द क्या हुआ है, मोल की अवधारणा एवोगैड्रो द्वारा दी गई। एवोगैड्रो मोल की अवधारणा किसने दिया? एवोगैड्रो ने द्वारा दी गई, जिसका लेटिन शब्द अर्थ होता है, जिसका लेटिन शब्द में अर्थ होता है ढेर। क्या बात है? तो ढेर। और ढेर को ही क्या बोला गया? दर्जन। ठीक है, ढेर या दर्जन। समझ आ गया बच्चों क्या? तो हम मोल के कॉन्सेप्ट के बारे में चल रहे हैं। तो मोल की अवधारणा एवोगैड्रो ने दी, और इसका लैटिन शब्द होता है ढेर। लैटिन शब्द में शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। और जैसे दर्जन से हमारा तात्पर्य 12 वस्तुओं से है, और दर्जन से मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 12 वस्तुओं से मतलब। 12 वस्तु अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक दर्जन। क्या बोलते हैं? एक दर्जन को ही क्या बोला जा रहा है? 12 वस्तुओं से। अब देखिए क्या होता है, शतक से तात्पर्य हमारा कितना होगा? 100 से कहते हैं कि इन्होंने एक शतक लगाया, दो शतक लगाया। एक शतक अगर लगाएंगे तो उसको 100 से बोलते हैं, उसका तात्पर्य 100 से रहता है। अगर दो शतक रहेगा तो 200 से, 3 शतक रहेगा 300 शतक से, यानी शतक का अर्थ क्या हुआ? 100 से। अब आगे चलिए क्या हुआ, ठीक उसी प्रकार यह शब्द किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए दिया गया है, यानी ठीक इसी प्रकार इनको एक संख्या को व्यक्त करने के लिए हमको क्या दिया गया है? मोल कॉन्सेप्ट। जैसे इस प्रकार को समझते हैं आप, एक दर्जन को 12 वस्तुओं से कहते हैं, एक मतलब 100 अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं एक शतक बोल देते हैं। उसी प्रकार से किसी वस्तुओं को समझने के लिए हमारी केमिस्ट्री की भाषा में मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो है क्या ये मोल? भी 6.022 × 10⁻²³ का ढेर है। मोल भी कैसा? 6.022 × 10⁻²³। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मोल से, और आपके 11th में मतलब कहां से प्रतिवर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोल भी 6.022 × 10⁻²³ का ढेर है, मतलब इतने का क्या है? का ढेर है, मतलब इतने का ये ढेर है मोल कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या होता है, जैसे कणों का, परमाणुओं का, अणुओं का, आयनों का अथवा इलेक्ट्रॉनों का, ये किसका ढेर है? कण का भी हो सकता है, किसका किसका? कणों का हो सकता है, परमाणुओं का हो सकता है, अणुओं का हो सकता है, आयनों का हो सकता है, यानी कोई भी होगा। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, चाहे कणों के रूप में हो, चाहे परमाणुओं के रूप में हो, चाहे आयनों के रूप में हो, इनमें से कोई ना कोई होगा, तो निश्चित रूप से लाभ लेकर आता क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट से ही होगा, याद रखिएगा। तो इसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया। और एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों का हो, चाहे किसका हो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहे इलेक्ट्रॉन पूछा जाए। ठीक है बच्चों, आगे समझने क्या, इसी प्रकार परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों को आदि की संख्या को गिनने के लिए रासायनिक जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। अब देखिए मोल की परिभाषा क्या निकल के आ गई, मोल की डिफिनेशन क्या निकल के आ गई, कि परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों
संख्या को गिनने के लिए, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, इनकी संख्याओं को गिनने के लिए रसायनज्ञ ने जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। कितनी समझ में आ गई बच्चों मोल की? चलिए, एक मोल 6.02 × 10^23 कणों का समूह होता है। एक मोल कितना होता है? एक मोल इक्वल हो जाएगा 6.022 × 10^23। ये एक मोल बराबर कितना होता है? यानी एक ढेर है। इसका मतलब क्या हुआ? एक ढेर, एक ढेर किसके बराबर हो गया? एक मोल के बराबर हो गया। तो एक मोल बराबर कितना हो जाएगा? 6.022 × 10^23 कणों का समूह को दर्शाता है, यानी कण को दर्शाता है, कणों को दर्शाता है। ठीक बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो बच्चों देखिए, हम इसको पिक के माध्यम से आपको दे देंगे किस प्रकार से समझाया गया है। अब आगे हम थोड़ा चलते हैं। संख्या 6.022 × 10^23 को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होगा? 6.022 × 10^23 को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6.022 × 10^23 को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या या स्थिरांक, एवोगैड्रो एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? 6.022 × 10^23 को क्या कहते हैं? या तो एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और या एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। और इन्हें संकेत में यानी एन ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसको फैमल संकेत किसे कहते हैं? एन ए, कैपिटल एम भी रहेगा और कैपिटल ए भी रहेगा, लेकिन ए नीचे लिखा जाएगा। तो यानी से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यानी 6.022 × 10^23 को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक इसे यानी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसकी सहायता से आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो आपके 100% समझ में आ जाएगा और आंसर भी अच्छा सही टिक करेंगे। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर क्या होगा? एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर क्या होगा? आप जवाब दीजिएगा। एक मोल जल का अणु मतलब H2O का अणु क्या होगा? आप बताइएगा। एक मोल जल के अणु 18 ग्राम। यहां पर क्या लिखे? 18 ग्राम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा? एक मोल NaCl, एक मोल इसका कितना NaCl का आपको क्या पूछा जाएगा? एटॉमिक मास कितना होगा? 58.5 ग्राम बराबर क्या होगा? आप आंसर इसका निकालिए, अभी तुरंत देना है आपको जवाब। और एक मोल 44 ग्राम, एक मोल 44 ग्राम का मतलब क्या होगा? CO2। अगर CO2 का एटॉमिक मास निकालेंगे तो 44 आएगा। अभी मैं आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ इक्वल क्या होगा। तो देखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेम आंसर आएगा, वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे होगा? 6.022 × 10^23 किसमें दिया है? परमाणु में दिया है। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे? परमाणु में। जिस रूप में क्वेश्चन बनेगा उस रूप में आपको क्या क्या देना है? आपको आंसर देना है। यदि आप मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन पूछता है एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.022 × 10^23 परमाणु है, तो परमाणु में जवाब देंगे।
अणु है तो अणु में जवाब देंगे, अणु में कैसे हो जाएगा, ये आपका एच को पूछ रहा है 6.022 × 10⁻³23। अणु में दे देंगे इसका क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻³23। इसमें है मोल में है तो आप मोल में जवाब दे दीजिए, और ये 44 × 44 है तो क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻³23। इसमें 44 अणु की बात होगी क्योंकि एक मोल से संबंधित है, NaCl है, 44 है, तो अगर मान लीजिए इसमें क्या करेंगे अणु अणु लिख देंगे क्योंकि एक मोल संबंधित है, ये किसका है आपका एक प्रकार का अणु है CO2 है। बच्चों एक बार थोड़ा देखिए कैसे यहाँ 44 कैसे आ गया है, देखिए कार्बन का एटम का कितना होगा 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 16 = 32 और 32 वाला जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 44 आ गया। तो इसको समझ में आ गया बच्चों, इसी प्रकार से NaCl में जो यहाँ पे लिखा हुआ है 58.5 आप 23 प्लस 35 जोड़ेंगे कितना 23 + 35.5 आप इसको ऐड कर देंगे तो ये 58.5 आ जाएगा। तो ये रहा आपका बच्चों यानी कि मोल संकल्पना में कॉन्सेप्ट निकला था, और पेपर में क्या पूछा जाता है बच्चों कि एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर होता है तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर 6.022 × 10⁻³23। और एक प्रकार से घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, सिर्फ पूछा गया था कि 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या होगी, तो क्या पूछा है इन्होंने 18 ग्राम H2O मोलों की संख्या पूछा है, यानी यहाँ पे एक मेल करके 18 लिख दिया था, तो बच्चे उसमें डाउट हो गए थे और उसके आंसर बच्चे गलत लगा दिए थे। तो याद रखिएगा यदि 18 ग्राम पूछता है तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा 6.022 × 10⁻³23 होगा। तो चाहे ग्राम परमाणु के रूप में पूछे, अणु के रूप में पूछे, आयन के रूप में पूछे या इलेक्ट्रॉन के रूप में पूछे, उसका आंसर क्या होगा 6.022 × 10⁻³23 होगा। और लास्ट में जिस रूप में पूछेगा वह रूप वहां पे लास्ट में लगा देगा, लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आ गया आपसे, यानी ये समझ में आ गया मोल कांसेप्ट आपको, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश किया, ऑब्जेक्टिव टाइप में आया, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं आगे, तो मैंने इसको बता दिया कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, डाउट मत होना आप लोग, क्योंकि यहाँ 18 और 1 में बहुत अंतर है। ठीक है, अगर 18 ग्राम पूछा जाएगा तो भी इसका आंसर यही आएगा, और अगर 1 मोल पूछा जाएगा तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो बच्चों इसको नोट करिएगा और मैं आपको इसकी पिक दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 18 कहाँ से आया, मैं यहाँ गया क्या, इसको भी थोड़ा देख लीजिए आगे, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ कितना है एच है तो एच बराबर क्या होगा 2 और हाइड्रोजन कितना होता है 16 बराबर कितना हुआ 18, यानी H2O का निकल गया आपका, H2O का एक अणु माफ हो गया, ये क्या है एटॉमिक मास। ठीक बच्चों, इसकी पिक मैं आपको दे दूंगा, तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बच्चों से आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा वीडियो देखिए यदि आपको देखना है, और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके।